इसमें आज हम डिस्कस करेंगे अमीबिक लीवर अब्सेस। अमीबिक लीवर अब्सेस का दूसरा नाम है डिसेंट्रिक अब्सेस और ट्रॉपिकल अब्सेस भी इसको कहते हैं। ये जो है कॉमनेस्ट मैनी एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन है अमीबियासिस का। अमीबियासिस किसी को हुआ है उसकी वजह से क्या होता है, एक मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है इंटेस्टाइन के बाहर जिसे भी कहते हैं अमीबिक लीवर अब्सेस, डिसेंट्रिक अब्सेस या ट्रॉपिकल अब्सेस। इसकी एटियोपैथोजेनेसिस के लिए कौन काज करता है अमीबिक लीवर अब्सेस, तो एंट अमीबा स्टोलाइटिका की वजह से होता है। ये जो है अमीबिक डिसेंट्री का कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है और साथ में यहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, जैसे कि इन्फेक्शन जो है सीकम से आ सकता है या सिग्मोइड कोलन से आ सकता है। सीकम से कैसे आता है, सीकम से ऊपर की तरफ जो सुपेरियर मेसेंट्रिक वेन है उसकी ट्रिब्यूटरी से आ सकता है, और साथ में सिग्मोइड कोलन से कैसे आ सकता है, इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन की ट्रिब्यूटरी के थ्रू। ये आप डायग्राम में क्लियर कट देख सकते हैं कि जो सीकम है यहाँ से लीवर की तरफ अमीबिक लीवर अब्सेस का इन्फेक्शन कैसे फैल रहा है, ये जो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन की ट्रिब्यूटरी के थ्रू, और इधर जो सिग्मोइड कोलन है यहाँ से इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन के थ्रू आ रहा है, ठीक है। देन इसके बाद आता है राइट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन। ये जो है वो पोर्टल वेन की जो राइट ब्रांच है वो पोर्टल वेन के साथ डायरेक्ट स्ट्रीम लाइन फ्लो रहता है, तो इसीलिए ये क्या रहता है स्ट्रीम लाइन फिनोमेना होने की वजह से जो राइट साइड ऑफ लीवर है ये मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड साइड होती है अमीबिक लीवर अब्सेस में। इसके अलावा और भी रीज़न है कि जो राइट साइड है वो राइट लोब है वो लेफ्ट लोब से बड़ा होता है, इसीलिए भी ये मेन रीज़न है कि राइट साइड में ये क्यों अफेक्टेड होता है, राइट लोब क्यों ज़्यादा लीवर का अफेक्टेड होता है अमीबिक लीवर अब्सेस में। क्यों? क्योंकि जो पोर्टल वेन की राइट ब्रांच है वो और पोर्टल वेन खुद ये दोनों का जो स्ट्रीम लाइन फिनोमेना में फ्लो होता है इसीलिए। देन इसके बाद जो राइट लोब है ये क्या होता है कि यहाँ पे जो राइट लोब का मेनली पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस जो है ये इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, ये मेनली इन्वॉल्व रहता है। इसके अलावा पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस इन्वॉल्व रहता है क्योंकि एक्स्ट्रा पेरिटोनियल साइट है ना, और इसमें कोई पेरिटोनियल कवरिंग नहीं पाई जाती है, बेगस एरिया ऑफ लीवर भी कहते हैं इसको, जो पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस ही वो। यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे जो लीवर अमीबिक लीवर अब्सेस जैसे ही लीवर में पहुँच जाता है तो यहाँ पे क्या होता है इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होने लगता है, हेपेटोसाइट्स का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, साइटोसाइलिक एंजाइम साइटोलाइटिक एंजाइम निकलते हैं, साइटोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस कराते हैं। इसकी वजह से फाइनली जो है एसेप्टिक थ्रोम्बोसिस हो जाता है ब्लड वेसल्स में और फिर लीवर टिश्यू का नेक्रोसिस होने लगता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन भी होता है और पस बनता है एंकोवी सोस पस, यानी कि इसका जो कलर है वो कैसा रहेगा, ब्राउन कलर का रहेगा, चॉकलेट ब्राउन कलर का, और उसमें आरबीसी भी रहेगी, हेपेटोसाइट्स देखने को मिलेगी, तो इसीलिए ये सोस जैसा दिखता है ब्राउन कलर का और इसमें आरबीसी और हेपेटोसाइट रहेगी। इसके अलावा ग्रीन पस भी कभी कभी हो सकता है जब किसी पेशेंट में बाइल के साथ पस मिक्स है तो, और साथ में पस जो है वो स्टराइल होता है मेजोरिटी ऑफ द केस में, सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है 20-30% केसेस में। साथ में जो है अमीबिक लीवर अब्सेंट में जो पस है पस प्रेजेंट रहता है और जो है बट आर प्रेजेंट इन द वॉल, ठीक है, तो अमीबिक लीवर अब्सेस में जो पस जो है उसके अंदर जो अमीबा है वो रेयरली प्रेजेंट रहता है, लेकिन ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है वाल में, अब्सेस कैविटी के जो वाल है उस पे प्रेजेंट रहता है अमीबी, और जो वाल है उसमें अमीबी के अलावा क्या क्या रहता है, तो मोनोसाइट प्लाज्मा सेल लिम्फोसाइट फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट रहती है। जो अब्सेस है ये मल्टीपल हो सकते हैं और जब ये फ्यूज़ हो जाएंगे तो ये सिंगल लार्ज अब्सेस बन सकता है अब्सेस कैविटी 70% केसेस में। इसके अलावा पेरी हेपेटाइटिस, यानी कि इसमें क्या होगा कि डायफ्राम से जब ये लीवर अटैच हो जाता है तब उसकी मोबिलिटी जो है डायफ्राम की वो लॉस हो जाती है, मोबिलिटी देखने को मिलती है डायफ्राम में, तो इसको बोलते हैं पेरी हेपेटाइटिस, जिसमें कि लीवर डायफ्राम से अटैच हो जाते हैं जिससे कि डायफ्राम का मूवमेंट नहीं हो पाता, ठीक है। उसके अलावा कभी कभी ये जो है लीवर अब्सेस में लेफ्ट लोब जो है वो के केसेस में एंटीरियर एब्डोमन वाल से लीवर अटैच हो सकता है। साथ में क्या देखने को मिलेगा, ग्लैल ब्लैडर और जो बाइल है ये यहाँ पे अमीबिक इन्फेक्शन नहीं होता क्योंकि यहाँ पे बाइल का इफेक्ट पड़ता है डिलीटोरियस इफेक्ट पड़ने की वजह से अमीबा के ऊपर। क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलेगा, तो जो मेल एल्कोहलिक्स हैं उन लोगों में ज़्यादा 20-40 साल के मेल एल्कोहलिक्स हैं उन लोग हैं एल्कोहल पीने वाले, तो उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है मेल जो है वो 8 टाइम मोर रहते हैं, कॉमन रहते हैं इन्फेक्शन के लिए। देन इसके अलावा यहाँ पे जो ऐसे पेशेंट जो कि जिनमें कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जिनका क्या है
लो है उन लोगों में भी देखने को मिलेगा। सीवियर पेन देखने को मिल सकता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में, और साथ में लीवर इनलार्ज देखने को मिलेगा। अमेबिक हेपेटाइटिस देखने को मिल सकता है ना। यूएसजी कराएंगे तो उससे पता चल जाएगा अब्सेस केवीटी का, और माइक्रो अब्सेस भी कभी कभी हो सकते हैं, पर माइक्रो अब्सेस को कैसे पता करेंगे, उसमें सिम्टम आएंगे जैसे लो ग्रेड फीवर, वीकनेस, एनोरेक्सिया। हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है, चिल किसके साथ, चिल्स के साथ रहेगा और रिगर के साथ, हाई ग्रेड फीवर एंड चिल्स एंड रिगर, ठीक है। और पाए कभी कभी पायोजेनिक लीवर अब्सेस भी हो सकता है, जिसमें क्या होगा कि सेकेंड इन्फेक्शन की वजह से बैक्टीरिया आ गए इसलिए। फिर साथ में रेस्पिरेटरी सिम्टम, मतलब कि अपन को सिस्टेमिक थोरेसिक सिम्टम में क्या क्या देखने को मिलेगा, कफ देखने को मिलेगा, शोल्डर में पेन देखने को मिलेगा, प्लूरसी देखने को मिलेगी राइट शोल्डर में पेन। साइन क्या देखने को मिल सकते हैं, एनीमिया, टॉक्सिक लुक रहेगा पेशेंट का, और अर्थी कॉम्प्लेक्शन रहेगा, साथ में मेशिएशन भी रहेगा मार्क्ड, जो एंडिस भी प्रेजेंट हो सकता है। और साथ में क्या रहता है कि लीवर जो है वो बड़ा देखने को मिलेगा, और जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में वो इनलार्ज रहेगा, टेंडरनेस देखने को मिलेगी, सोफनेस देखने को मिलेगी, और लीवर जो है किस दिशा में बढ़ेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में पड़ेगा, और साथ में इंटरकोस्टल टेंडरनेस, इंटरकोस्टल रीजन भी में भी टेंडरनेस रहेगी, ठीक है। ये एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में भी इंटरकोस्टल टेंडरनेस देखने को मिलती है, और एडिमा भी इंटरकोस्टल रीजन में हो सकता है। अब यहाँ पे अपन को ये देखना है कि टेंडरनेस जो है, लीवर की टेंडरनेस तीन बीमारियों में देखने को मिलती है, अमीबिक लीवर अब्सेस, हिपेटोमा, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर। तो अमीबिक लीवर अब्सेस, हिपेटोमा, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करा लोगे इसके लिए, तो टोटल WBC काउंट बढ़ा हुआ है मिलेगा सेकेंड इन्फेक्शन की वजह से। स्टूल एग्जामिनेशन कराओगे तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, सिस्ट देखने को मिलेगी एंडामीबा सिस्ट, जो हिस्टोलाइटिका की 25% केसेस में। सीरोलॉजिकल टेस्टिंग में क्या देखने को मिल सकता है, हीमाग्लूटिनेशन टेस्ट कराएंगे, ठीक है, वो पॉजिटिव आएगा 90 से 95% पेशेंट में। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या कराएंगे अपन को, पेरीपेडाइटिस, जिसमें कि डायफ्राम अटैच हो जाएगा लीवर से, जिसकी उसकी इमोबिलिटी लॉस हो जाएगी, इमोबिलिटी देखने को मिलेगी, और दोनों साइड में लॉस हो गई तो होमोलेटरल इमोबिलिटी ऑफ डायफ्राम। इसके अलावा सिग्मेटोस्कोपी, इसमें क्या पता चलता है कि अमीबिक अल्सर देखने को मिलते हैं, डीप अमीबिक अल्सर फ्लास्क टाइप के। और एब्डोमन की USG कराएंगे, जिसमें अल्ट्रासाउंड तीन तरीके से कराएंगे, अब्सेस को डायग्नोसिस करने के लिए अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल एस्पिरेशन टेक्नोलॉजी, ये सब, और सीटी स्कैन, ठीक है। इसके बाद ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है और लोकल अल्ट्रासाउंड एस्पिरेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, लोकल अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन एंड पिस्टल ड्रेनेज और सर्जरी। तो एक एक डिस्कस करेंगे। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जो मेट्रोनिडाजोल है वो 400 से 800 mg तीन टाइम देना है दिन में 14 दिन तक, और अगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो उसके लिए फिर उसके बाद अपन इमेटिन देंगे 1 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से, टोटल 60 mg/day, और डीप इंट्रामस्कुलर देंगे 6 दिन तक के लिए। और इसके साइड इफ़ेक्ट भी आ सकते हैं, जैसे सिस्टोलिक BP जो है वो 110 mmHg होना ही चाहिए, और साथ में ECG जो है उसको पहले भी रिकॉर्ड करो, बाद में रिकॉर्ड करो, कार्डियो टॉक्सिसिटी तो नहीं हुई, एरिथमिया तो नहीं हुआ, तो ये सब जो है इमेटिन के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। एडिकेट हाइड्रेशन होना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए, एनाल्जेसिक देने चाहिए पेन किलर के लिए, और यू अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल एस्पिरेशन या पिस्टल कैथेटर ड्रेनेज। इसमें क्या किया जाएगा कि अब्सेस को ड्रेनेज किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि इससे पहले अपन को BT CT और प्लेटलेट ये सब अपन को देखना है, साथ में विटामिन की 10 mg दे देना है उसको इंट्रामस्कुलरली, ठीक है, 3 दिन तक के लिए। फिर अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन जो है उसमें मेट्रोनिडाजोल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है, ठीक है, ये का भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर है प्रेगनेंसी का, तब साथ में इसके लिए लोकल एनेस्थीसिया भी दिया जाना चाहिए, पस को रिकलेक्ट किया जाना चाहिए, और साथ में एंकोइस उस पस को जो है उसको एस्पिरेशन से हटाना चाहिए। फिर इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएंगे इसके, तो कॉम्प्लिकेशन में ब्लीडिंग रेयरली हो सकती है, और कभी कभी इनकम्प्लीट एस्पिरेशन देखने को मिल सकता है, जिसमें क्या होता है कि पस का लीकेज हो जाता है या बाइल का लीकेज, जिसकी वजह से पेरिटोनियम में अकोमोलेशन होता है। फाइनली रिजल्ट क्या होगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। इसके लिए अपन को प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक पहले से ही दी जानी चाहिए मेट्रोनिडाजोल थेरेपी के साथ साथ। और फिर सर्जरी में क्या करेंगे, लेप्रोस्कोपी करा लेंगे। ये इंडिकेशन का भी जब US अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन एंड पिस्टल ड्रेनेज जो फेल हो जाए, तब अमीबिक लीवर अब्सेस कभी रप्चर हो जाए तब, ठीक है, अमीबिक पेरिटोनाइटिस हो जाए तब करना है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोटोमी भी करना है पहले,
अपसेस कैविटी को आइडेंटिफाई करना है, उसको इवैक्यूएट करना है, पस-पस को खाली करना है, ठीक है, मेलेकोट कैथेटर को यूज़ करना है ना, और साथ में अमीबिक क्यूटिस की केसेस में मतलब कि मेट्रोनिडाजोल विद द एडवेंट ऑफ मेट्रोनिडाजोल अमीबियासिस क्यूटिस इज रेयरली सीन, है ना। और साथ में पोस्ट ऑपरेटिवली अपन को फिर नेक्रोटिक लीवर टिश्यू एंकोविस ओस्पस और इन सबको ड्रेनेज आउट करना है। देन इसके बाद आता है फाइनली कॉम्प्लिकेशन। तो जैसे इससे पहले कि जैसे ड्रेनेज हो गया तो उसके बाद मैं रिकॉर्ड कैथेटर को पुल आउट कर देना है, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकते हैं, अमीबिक पेरिटोनाइटिस जो कि पेरिटोनियम में रप्चर होने की वजह से, है ना, पेरिटोनियम में चला गया पास और बाइल, और साथ में अमीबियासिस क्यूटिस भी हो सकती है रेयरली, प्लूरल कैविटी में पास चला जा सकता है इसीलिए प्लूरल इफ्यूज़न हो सकता है, ब्रोंको प्लूरल फिस्टूला बन सकता है, कभी कभी रप्चर हो जाता है ब्रोंकस में, ये जो एंकोविस ओस पास है वो वहाँ फूट जाता है इसलिए वहाँ पे ब्रोंको प्लूरल फिस्टूला बन सकता है। और अमीबिक पेरिकार्डियल इफ्यूजन, अगर ये लेफ्ट लीवर अपसेस लोब अपसेस जो है वो पेरिकार्डियल स्पेस में रप्चर होगा तो अमीबिक पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे ये जो अमीबिक लीवर अपसेस है इसके साइन सिम्टम क्या क्या है, तो टेंडरनेस देखने को, एब्डोमेन में साइन सिम्टम में टेंडरनेस, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होगा, इंटरकोस्टल रीजन में टेंडरनेस और पेरिटोनाइटिस। थोरेसिक में क्या होगा ये सब हम पढ़ चुके हैं फिर भी इसको रिवाइज कर रहे हैं, तो थोरेसिक रीजन में अपन को कफ देखने को मिलेगा और शोल्डर रीजन में पेन, राइट शोल्डर में पेन। सिस्टेमिक में हाई ग्रेड फीवर, चिल्स और रिगर, और कॉम्प्लिकेशन के तौर पर क्या देखने को मिला, प्लूरल इफ्यूजन और पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ये कॉम्प्लिकेशन होगा। फिर यहाँ पे ये जो पिस्टल कैथेटर है इसके लिए क्या क्या बातें लिखी है, तो पिस्टल कैथेटर जो है वो यूज़ किया जाता है ड्रेनेज करने के लिए, क्लियर फ्लूड फ्रॉम द कैविटीज, कैविटीज से फ्लूड को ड्रेनेज करना है जैसे कि प्लूरल फ्लूड एसाइड्स बाइल को, तब यूज़ किया जाता है। 8 से 12 फ्रेंच इसकी साइज रहती है, और कौन सा रहता है, रेडियो ओपेक पॉली यूरेथ्रिन कैथेटर यूज़ किया जाता है, लेंथ इसकी 20 से 30 सेंटीमीटर, इसमें लार्ज ओवल होल रहते हैं, ठीक है, और जिससे कि मैक्सिमम ड्रेनेज होता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी इसकी जो है ट्रांसूडेस प्लूरल इफ्यूजन इज ड्रेन देन एम्पाइमा, पहले प्लूरल इफ्यूजन को हटाना है फिर उसके बाद एम्पाइमा पास को, फिर हिमोथोरेक्स को, फिर एंकोविस ओस पास को हटाना है इस तरीके से, तो इसकी टेंडेंसी हो गई। देन इसके बाद ये डायग्राम्स आप देख सकते हैं, एंकोविस ओस पास, ठीक है, इस तरीके का ब्राउन कलर रहता है जिसमें कि क्या रहेगा, एंकोविस ओस जो पास है उसमें कि अपन को देखने को मिलेगा पस रहेगा, और साथ में उसमें चॉकलेट ब्राउन कलर रहेगा और आरबीसी रहेगी, एपेटोसाइट देखने को मिलेगी। तो ये इसका डायग्राम होगा, यहाँ पे ये डायग्राम दिया है इंटरकोस्टल बल्ज एंड टेंडरनेस विथ इंपॉर्टेंट फीचर है अमीबिक लीवर अब्सेस का।